अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को, जिसमें हमने पांच लेक्चर्स डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पांच मेथड के ज़रिए से की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है। और स्टूडेंट्स ये ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से सीख लेना है और ये अभी आपको लेक्चर में 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा आसान टॉपिक है। अब देखिएगा, हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको चाहिए साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। आपको क्या चाहिए? साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, जिसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँगा साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड। और आपने उसकी क्या करवा देनी है? इलेक्ट्रोलाइसिस। वो एक्वियस बना के आपने उसकी करवानी है इलेक्ट्रोलाइसिस। जब आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा? अल्केन्स, और कुछ आपको बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो क्या था हमारे पास? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या करना है? द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट। आप सोडियम साल्ट लें या पोटाशियम साल्ट लें कार्बोक्सैलिक एसिड का, तो उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्केन मिलेगा। तो मैंने बात भी यही लिखी है कि द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड वो होता है जिसमें एक COOH ग्रुप हो, याद रखिएगा। अगर दो हो जाएंगे तो डाई हो जाएगा। तो लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड। आपने मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड लेना है, आपने उसका साल्ट लेना है। साल्ट तैयार करें जैसे मैंने पीछे तैयार करके बताया था डीकार्बोक्सिलेशन में। वो टॉपिक अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से एस्टिक एसिड में NaOH डाल के वहाँ से साल्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम लेने जा रहे हैं साल्ट, और हमारे पास साल्ट क्या है जी? CH3COONa, और ये आपने कौन सा लिया? एक्वियस। और आपने इसकी क्या करवा दी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट्स, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अल्केन जो है आपका इथेन। यहाँ से आपको इथेन मिल गया, साथ में यहाँ से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में यहाँ से मिलेगा NaOH, और यहाँ से मिल जाएगा आपको H2। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो ये है, इथेन। आपने लिया क्या था? साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड विच इज़ नोन एज सोडियम एसीटेट। आपने उसको एक्वियस किया और उसकी करवा दी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आपकी बुक में जैसे इक्वेशन लिखी हुई है वो भी मैंशन कर देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ है CH3COONa HOH, साथ में आप करवाने क्या जा रहे हैं इसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी? आप ये भी 2 मोल कंसीडर कर लें, ये भी 2 मोल कंसीडर कर लें, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 एंड प्लस NaOH कास्टिक सोडा। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपके पास क्या बना? इथेन। तो बेसिकली आपको सिमेट्रिकल अल्केन तैयार करना है। याद रखिएगा, इसकी लिमिटेशन ये है कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस गिव सिमेट्रिकल अल्केन। सो टू प्रोड्यूस अ सिमेट्रिकल अल्केन वी हैव टू कंसीडर द हाइड्रोकार्बन और दोज कंपाउंड हैविंग अ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपने वो कंपाउंड कंसीडर करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो तब आपको सिमेट्रिकल अल्केन्स मिलेंगी। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर आप कहें कि आपको इक्वेशन से प्रोडक्ट का पता चल जाए वो तो ऐसे चलेगा, लेकिन मैकेनिज्म बताएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बने। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम अब आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म को समझाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास, आपने यहां से ऐड किया साल्ट, इसमें ऑलरेडी मौजूद था वाटर। यहां पे क्या मौजूद था? वाटर। जब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद कुछ यूं होगा, अब आपके पास ये सोल्यूशन है। किस किस का? सोडियम एसीटेट का। किस में? वाटर में। सपोज टू बी, समझाने के लिए आप ये देख लें कि ये आपके पास सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है
एक आपके पास क्या है, कैथोड है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पहले आपके पास सॉल्यूशन था किसका, सोडियम एसीटेट के साल्ट का। जब आपने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई तो अब यहां पे चार चीजें मौजूद हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या मौजूद होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा एसीटेट आयन, इसमें मौजूद होगा OH नेगेटिव आयन, इसमें मौजूद होगा H पॉजिटिव आयन, और इसमें मौजूद होगा आप लोगों के पास Na पॉजिटिव। अब इसमें ये चार आयन्स मौजूद हैं। सो क्या क्या मौजूद था इसमें, इसमें मौजूद है एसीटेट आयन्स, इसमें मौजूद है सोडियम आयन्स, इसमें मौजूद है H पॉजिटिव आयन्स, इसमें मौजूद है OH नेगेटिव आयन्स। लेकिन ये कब मिलेंगे, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की तो ये चार चीज़ें मिली। अब चार चीज़ें तो आपको मिल गई, मैं दोबारा बता दूं, मैंने वाटर लिया, मैंने वो साल्ट उठा के इसमें डाल दिया, एक्वियस हो गया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस की, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की तो ये चार आयंस बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपके पास चार आयंस मौजूद हैं, इनमें से देखिए दो तो पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हैं। इन चार आयंस को देखते हुए हमने पता लगाना है कि एनोड पे कौन सा जाएगा, कैथोड पे कौन सा जाएगा। तो हमने यहां से ये पता लगाने, आपके पास नेगेटिव भी दो हैं और आपके पास पॉजिटिव भी दो हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, वहां पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। ऊपर वालों का जो डिसीजन है CH3 COO नेगेटिव और OH नेगेटिव, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस सीरीज को देखते हैं तो हम पता लगाएंगे इनमें से पहले डिस्चार्ज कौन होना चाहते हैं, इनमें से पहले डिस्चार्ज कौन सा होना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि नेगेटिव है तो ये एनोड पे ही डिस्चार्ज होंगे। ये कहां पे डिस्चार्ज होंगे, एनोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि सर पहले इनमें से कौन सा आएगा एनोड पे, कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा। स्टूडेंट्स याद रखना, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। जब आप सॉल्यूशन में वोल्टमीटर लगाते हैं तो आप जब पावर सब अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा पहले आ रहा है। जो तो एनोड पे पहले आ रहा है इसका मतलब है उसका जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है वो कम है, वो डिस्चार्ज होकर एक नई चीज बना के साइड पे हो जाएगा। तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। तो एनोड पे जब हम चेक करते हैं कि डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा है OH नेगेटिव का, ये तो नहीं आएगा, ये तो बाद में ही आएगा, ये एनोड पे नहीं आने वाला। तो जब हम चेक करते हैं डिस्चार्जिंग पोटेंशियल इसका, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट आएगा। एसीटेट आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस दो चीजें मौजूद थी आपके पास, दोनों नेगेटिव हैं। कंफ्यूजन पैदा हो गई कि भाई पहले एनोड पे कौन सा आएगा, तो आपने चेक कर लेना है कि इनमें से डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका कम है। हमने चेक किया डिस्चार्जिंग पोटेंशियल OH का तो ज्यादा है, इसका कम है। तो इसका मतलब है हमने पता लगा लिया कि ये आने वाला है जी एनोड पे। तो एनोड पे क्या आ गया, CH3COO नेगेटिव। अब रही बात कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड में जाने के लिए क्या है, अब आपके पास क्या पड़ा है, Na पॉजिटिव पड़ा है और H पॉजिटिव पड़ा है। इसमें भी आप चेक करेंगे कि इनमें से डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो कम है वो किसका है, H पॉजिटिव का। इसका मतलब है H पॉजिटिव पहले चला जाएगा कैथोड पे, Na पॉजिटिव नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप इसको चेक करें। तो स्टूडेंट्स पहली कंफ्यूजन हमने दूर की, वो क्या थी कि एनोड पे पहले कौन जाएगा, कैथोड पे पहले कौन जाएगा। तो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ, वो ऊपर मैंने सब कुछ लिख दिया। पहली चीज हमने क्या देखा कि हमारे पास ये आयंस मौजूद हैं सॉल्यूशन में, जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की ये बन गए। एनोड पे भी पहले कौन जाएगा, कैथोड पे पहले कौन जाएगा, ये भी पता चल गया। तो अब आते हैं हम मैकेनिज्म की तरफ, जिसमें पहला हमारे पास क्या स्टेप होता है, एट एनोड, एट एनोड पे डिस्चार्ज कौन होगा, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो पहले आएगा। तो वो हमारे पास कौन बना था, एसीटेट आयंस। तो मैं एसीटेट आयंस को कुछ यूं लिखता हूं, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव,
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये वाले, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन बचा, प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये था आपके पास एसीटेट आयन और इससे बना एसीटेट रेडिकल, पहली बात क्लियर। या सॉरी टू से एक चीज जो रह गई उसको मैं जरा पहले बता दूं, क्योंकि आपकी बुक में एक स्टेप किया हुआ है वो जरा मिस हो गया, वो आप लोग देख लें। पहले स्टेप में यूं था, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तब होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये बात आप पहले देख लें, ये अलग हो गई, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। अब ये आ गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए कहा कि फर्ज करें यहां पे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब होने क्या जा रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये बन गया रेडिकल, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास कुछ यूं मौजूद है, CH3 C डबल बॉन्ड O, O रेडिकल, होने क्या जा रहा है, अगर इधर चेक किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दो। अब यहां से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां ट्रांसफर हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां ट्रांसफर हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया। जब ये टूटेगा तो पीछे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान चला गया, इसका मतलब है यहां से तो CO2 बन गई, इससे आपकी जान छूट गई, CO2 निकल गई। अब पीछे बचा CH3 का रेडिकल, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या बना, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल आपके पास बन गया। अब यहां पे एक चीज और बताता चलूं, यहां पे हमने कहा था CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, यहां इस जैसा एक तो नहीं है, सॉल्यूशन में तो बहुत ज्यादा है, तो इस किस्म के आपके पास जो रेडिकल्स पड़े हैं वो काफी हैं, वो एक नहीं है, वो तादाद में ज्यादा है। स्टूडेंट्स अब होने क्या जा रहे हैं, सिर्फ इसकी ब्रेकिंग तो ऐसे नहीं हुई, इसका मतलब है ये भी ऐसे टूटा होगा, ये भी टूटा होगा और ये भी टूटा होगा, तो इसका मतलब है आपको एक CH3 का रेडिकल नहीं मिला, CH3 के रेडिकल भी क्या है, ज्यादा है। तो अब इसका मतलब है ये एक नहीं है, फिर बता रहा हूं, देखिए मैंने ज्यादा लगाई, सॉल्यूशन में ज्यादा है तो ये टूटेंगे, इसी लिहाज से CH3 के रेडिकल भी ज्यादा बनेंगे। जब CH3 के रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये भी CH3 का रेडिकल है, एक और भी यहां पे पड़ा होगा जो बना है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां ट्रांसफर हुआ, ये भी यहां ट्रांसफर हुआ, बिकॉज वन बॉन्ड नीड टू इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आपस में मिल गए और इन्होंने आपके दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, इथेन। हाँ, एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, हमने कहा था हमारे पास ये दो पॉजिटिव आइंस मौजूद हैं, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, इनमें से पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा कैथोड पे जाके, हमने कहा था जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है वो पहले जाएगा, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा है वो बाद में जाएगा, तो इसका मतलब है डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका कम है, एच पॉजिटिव का, तो कैथोड पे ये आ गया। और यहां पे ऑलरेडी क्या पड़े आपके पास इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करता हूं बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि हमने H2 बनाना है, यहां पे दो मोली बनेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन भी हम दो ले लेते हैं, तो यहां पे आपके पास क्या बन गया H2। यहां पे ये जो हाइड्रोजन आयंस है इन्होंने इलेक्ट्रॉन कौन से लिए, जो इसने लूज किए, इसने वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए और H2 बन गया। लेकिन सोल्यूशन में दो चीजें रह गई, एक एनोड पर चला गया, एक कैथोड पर, सोल्यूशन में क्या है, दो चीजें,
सॉल्यूशन में जाने के लिए आपके पास दो चीजें वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, एक आपके पास है Na पॉजिटिव और एक आपके पास क्या है OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये मिलके आपको क्या दे देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है कास्टिक सोडा। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, क्या था इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आपने क्या लिया साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सैलिक एसिड। मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ मैकेनिज्म में, सॉल्यूशन में ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, मैंने पहले बता दिया था। तो आपने देखना है एनोड पे पहले कौन जाएगा, कैथोड पे पहले कौन जाएगा, ये सारा मेथड मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस।